मैं शिव योग का साधक हूं, मेरा कार्य है परम शुद्धि को प्राप्त होना, परम सत्य को प्राप्त होना, और उसके लिए मुझे अपने संचित कर्म को प्रतिदिन काटते जाना है, जलाते जाना है, समाप्त करते जाना है। उसके बाद मेरे अंदर ही अनंत की शक्ति जागृत होगी, और जब मेरे भीतर से अनंत की शक्ति जागृत हो रही है तो मैं हर कुछ जो मैं अनुभव करना चाहता हूँ उसको क्रिएट कर सकता हूँ, उसको पैदा कर सकता हूँ अपने जीवन में। तो अब बाहर नहीं देखना, बाहर वाले को जज नहीं करना, बाहर वाला ऐसा क्यों कर रहा है वो नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोजेक्शन है। इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। माइंड प्रोजेक्टर है, विचार वो फिल्म की रील है, और वो जो घटना घट रही है वो तुम्हारा फिल्म चल रही है। उसको बदलना है तो रील को हटा दो और नई रील पैदा करो, और वो तभी होगा जब कर्म तुम्हारे शुद्ध होंगे, तभी अच्छी धार्मिक फिल्म बनेगी। जब तक कर्म अशुद्ध है तो मारकाट वाली हॉरर फिल्म ही बनेगी। इसलिए जैसा जीवन चाहिए मन ही करता मन ही भोगता। माइंड, एवरी इंसिडेंट इन योर लाइफ इज ओनली द प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। You are the creator of your own destiny. शक्ति तुमको मिल चुकी है, अब इसके बाद तुम्हें और कुछ प्राप्त करने के लिए रहा ही नहीं। अब इस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन में जैसा तुम चाहते हो वैसा पैदा करो, कर्म काटते जाओ। जब मैं कहता हूं तुम चाहते क्या हो, तो वास्तविक जो तुम चाहते हो, तृष्णा के पीछे नहीं भागना। मैंने ये नहीं कहा कि तृष्णा क्या है। जैसे किसी ने मेरे को कहा कि बाबा जी मैं किसी से बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, कोई स्त्री या पुरुष या लड़का या लड़की, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन अब वो मेरे से कोई बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल अब मेरी बात भी नहीं सुनते, आप कृपा करो और उनसे ऐसा करो कि वो मेरी बात सुने और मेरी उनसे शादी हो जाए। ये तृष्णा है, ये आपकी तृष्णा है। क्यों? कि अगर वो बात करना चाहता है और तुम बात करना चाहते हो, तब तो शादी के संबंध में तुम इकट्ठे हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा व्यक्ति तुमसे बात ही नहीं करना चाहता और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसको बांधना चाह रहे हो, ये तृष्णा है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये तुम जो चाहते हो। तृष्णा और जो वास्तविक तुम चाहते हो उसके अंतर को पहचानना। जब तृष्णा फलीभूत होती है तो वो फलीभूत होने के बाद जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, और जो तुम चाहते हो जब वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो तुम्हारे मन में शांति और ठहराव आता है। इसलिए जब भी तुम इच्छा करो कि मैं चाहता क्या हूं, उसके बाद अपने से प्रश्न ये पूछ लेना कि यदि ये मुझे मिल गया, इज इट बेटर फॉर माय अल्टीमेट गुड, मेरे जीवन में जो सबसे अच्छा हो क्या वही होगा अगर मैं इसको प्राप्त कर लूं। तो इसलिए अपने से ये प्रश्न पूछना। तृष्णा शिव योग के द्वारा फलीभूत नहीं हो सकती। जीवन में पूर्णता शिव योग के द्वारा फलीभूत हो सकती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉजिटिव। जो व्यक्ति किसी से शादी नहीं करना चाहता और तुम चाहते हो कि वो मेरे से शादी करे, इसका मतलब उसको तुम पराधीन करना चाहते हो अपनी इच्छाओं के द्वारा। वो एक पाप कर्म है, वो पुण्य नहीं कहा जाएगा।